राजपाल यादव पर टूटा दुखों का पहाड़, मिट्टी में मिल गए सालों से बनी बनाई इज्जत, जेल जाने से भी नहीं मिला छुटकारा, अब घर में लग गया ताला। एक छोटी सी गलती की मिली ऐसी सजा कि बर्बाद हो गया कॉमेडी किंग का पूरा करियर, एक फिल्म के चलते जब्त हो गया राजपाल यादव का पूरा घर। राजपाल यादव के गले का फांस बनी फिल्म अता पता लापता, अब तक नहीं हो सकी नुकसान की भरपाई, इस बार बैंक ने अपने तरीके से कर ली वसूली। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की शाहजहांपुर में करोड़ों की संपत्ति को बैंक ने सीज कर दिया है। ये मामला उनकी एक फिल्म से जुड़ा है जिसका नाम अता पता लापता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस पेज पे नए आए हैं तो इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनकी पत्नी राधा यादव जबकि डायरेक्टर खुद राजपाल यादव थे। इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बांद्रा ब्रांच से लोन लिया था। लोन न चुकाने की वजह से उनकी संपत्ति को बैंक ने अब जब्त कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राजपाल ने मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 3 करोड़ रुपए ऋण लेने के बाद इस संपत्ति के कागज बतौर बंधक लगाए थे। ऋण न चुकाने पर धनराशि बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो गई, जिस पर सोमवार दोपहर मुंबई से आई बैंक की टीम ने यहां बने एक भवन के गेट पर ताला लगाकर सील कर दिया। एक्टर राजपाल यादव के माता पिता के नाम पर श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के नाम पर प्रोडक्शन हाउस खोला था। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक अभिनेता राजपाल यादव के छोटे भाई राजेश यादव ने बताया है कि कुछ दिक्कतों की वजह से बैंक से लिया हुआ लोन समय से जमा नहीं हो पाया, जल्द ही बैंक से संपर्क कर लोन की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। राजपाल यादव मूल रूप से शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ उनकी एक प्रॉपर्टी सदर बाजार के सेठ एनक्लेव के पास है। इस प्रॉपर्टी के बाहर का हिस्सा पत्थर कारोबार के बनने वाली कंपनी को किराए पर दिया गया है। बैंक ने जिस प्रॉपर्टी को सीज किया है वो राजपाल यादव के पिता के नाम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा ने इस संपत्ति को सीज करने की पुष्टि की है। सदर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी सील की गई है, इसकी जानकारी हुई है, लेकिन सील करने की कार्यवाही को लेकर कोई सूचना संबंधी बैंक अधिकारियों से नहीं मिली है। सिविल लाइन्स में कचहरी ओवर ब्रिज के पास स्थित इस भूमि पर पुराना भवन बना हुआ है, इसमें बाहरी हिस्से को मार्बल व्यापारी को किराए पर दिया गया है। भवन में ही बने कमरे पर लगे दरवाजे को सील किया गया है। बता दें कि राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने फिल्म आता पता लापता बनाने के लिए 2010 में मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक माधव गोपाल अग्रवाल से भी 5 करोड़ रुपए लिए थे। रुपए वापस ना करने पर रकम बढ़कर 10 करोड़ हो गई थी। इस प्रकरण में चेक बाउंस होने पर उन्हें जेल जाना पड़ा था। दिल्ली की कड़कनुमा कोर्ट ने मई में सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 14 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया था। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना, कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले।